नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन EMI का है और आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिए हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग किस फोल्डर में सेव हो रही है और उसे आप कैसे डिलीट करेंगे, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों ये जानने के लिए कि हमारे रिकॉर्ड हुए कॉल किस फोल्डर में रहती है, तो यहाँ पे आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिएगा। आप अपने फोन में फाइल मैनेजर को ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे आपकी फाइल मैनेजर है, और इसके बाद आप अपने फाइल मैनेजर पे क्लिक कीजिएगा। और फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं, तो इस तरह से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा EMI UI का। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी फोल्डर में आपकी कॉल रिकॉर्ड होती है। आप इस फोल्डर पे क्लिक करके आप इसे ओपन कीजिएगा। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे साउंड रिकॉर्डर पे, यहाँ पे, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा कॉल रिकॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल REC, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपकी जितने भी कॉल रिकॉर्ड रहती है वो सभी यहाँ पे सेव हो जाती है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके सामने टिक कर दीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डिलीट पे। अगर आप अपने सारे रिकॉर्ड किए हुए कॉल को एक ही साथ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, जिससे आपकी सारे रिकॉर्ड किए हुए कॉल पे टिक लग जाती है, और आप क्लिक कीजिएगा इसके बाद डिलीट, तो यहाँ से आपकी सारे रिकॉर्ड किए हुए कॉल डिलीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।